नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, गवर्नमेंट डीटीपीजी कॉलेज उतई दुर्ग से। आज आपके साथ एक अच्छे से टॉपिक बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व लेकर आया हूँ। आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जहाँ तक बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की बात है, यह दोनों प्रकार की बातों को रखता है, जिसमें कि बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरह के प्रभाव आते हैं। जहाँ तक बेनिफिशियल की बात है, तो बैक्टीरिया का जो बेनिफिशियल इफेक्ट है, जो हमको लाभ पहुँचाता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण यह हमको हानि पहुँचाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बैक्टीरिया सॉइल की फर्टिलिटी, मृदा की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है नाइट्रोजन, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, कोएंजाइम, एल्कलॉइड, सभी जगह नाइट्रोजन पाया जाता है। इसलिए बायोलॉजिकली बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम लोग मानते हैं, और वातावरण में भी सबसे ज्यादा गैस नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कभी भी ये नाइट्रोजन सीधे अवशोषित नहीं होता है, बल्कि नाइट्रोजन के कंपाउंड में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन गैस में N और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें तोड़ना बहुत सरल नहीं होता है। इसीलिए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसी क्रिया होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ये सब क्रियाओं को करके यह सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात हम डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि 79% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उपलब्ध है, लेकिन कभी भी यह नाइट्रोजन पौधे सीधे नहीं लेते हैं, बल्कि इसके लिए नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रायः पौधे प्राप्त करते हैं, और ये काम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किया करता है, और एटमॉस्फेयर से तभी ये नाइट्रेट के रूप में ले पाते हैं या एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नाइट्रेट ही होता है। तो प्रायः बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांटते हैं, एक सिम्बायोटिक और एक फ्री लिविंग, जिसको हम एसिम्बायोटिक कहते हैं। सिम्बायोटिक का फंडा आप सबको क्लियर है कि सिम्बायोटिक का मतलब वह हुआ जो कि दोनों को परस्पर लाभ पहुंचाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वह लिगुमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि लेग हीमोग्लोबिन के द्वारा पाए जाते हैं, और इसमें राइजोबियम लेगुमिनेसेरम सबसे महत्वपूर्ण पौधा है जो लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, और दोनों को परस्पर बेनिफिट होता है। कैसे दोनों को परस्पर बेनिफिट होता है, तो हम इसको ऐसे समझें कि जो बैक्टीरिया है या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेगुमिनेसेरम है, यह कार्बोहाइड्रेट पौधों से प्राप्त करता है, और बदले में उसको नाइट्रेट के रूप में पौधों को नाइट्रेट दिया करता है। तो इनको ग्लूकोज मिल रहा है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है, और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि पौधों को बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस रिलेशन को हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा करते हैं। तो खास करके लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम लेगुमिनेसेरम, ब्रैंडी राइजोबियम जैपोनिकम और साइनो राइजोबियम मेलीलोटी, ये सब स्पेसीज हैं जो कि बहुत कॉमन है। और इसके अलावा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे लेगुमिनस प्लांट ही नहीं, नॉन लेगुमिनस प्लांट जैसे सेस्बेनिया रोस्ट्राटा है, उसमें एरो राइजोबियम उसके तने में पाया जाता है, फ्रेंकिया रूट न्यूड्यूल, कैजुराइना, अल्लस, यूबस, जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट है। इसके अलावा अर्डिसिया और पेवेसिया नामक पौधों के लीफ के न्यूड्यूल में जेंथोमोनास या माइकोबैक्टीरियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते रहता है। ये देखिए, चित्र से बताने की कोशिश की जा रही है कि यह लेगुमिनस प्लांट है जिसमें नोड्यूल है, इस नोड्यूल में बैक्टीरियम की कॉलोनी है, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड एटमॉस्फेयर के लेके पौधों को दे रहे हैं, और बदले में इनके जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहे हैं, और ये लेग हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जा रहा है। इस प्रकार से हम इनको देखकर ये समझ सकते हैं कि यह एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। आइए अब फ्री लिविंग या एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें हम। क्लोस्ट्रिडियम पास्चुरियम
और डाइसल्फो विब्रियो वुलगैरिस जैसे बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके पौधों को नाइट्रेट उपलब्ध कराते रहते हैं या एनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया भी हैं जो कि एजिटोबैक्टर, बेजरिंकिया, क्लैब्सियला, ये सब ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया करते हैं। हालांकि साइनोबैक्टीरिया को यहाँ डिस्कस करना कितना उचित होगा, लेकिन चूंकि साइनो के साथ बैक्टीरिया वर्ड है इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लास्टक पंक्टिफॉर्मिस एनाबियाना एलियोली ये सब एटमोस्फेयर के नाइट्रोजन को अपने हेट्रोसिस्ट की मदद से फिक्स करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते रहते हैं। एक और बात आता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन का मतलब यह है कि जो पौधों में ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, क्योंकि पौधे प्रायः अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, बैसिलस सबटाइलिस, बैसिलस मैसेरेंस, प्रोटियस टेरी, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस आदि का नाम आता है। सॉरी, अब आइए नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रोसोमोनास यूरोपिया, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस एसओसियानी, ये सब हैं जो अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट्स में और नाइट्रोबैक्टर जो है उसको पुनः ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में परिवर्तित करता है, इसलिए इनको हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है और नाइट्रेट बहुत आराम से पौधे ले लेते हैं। कुछ फिलामेंटस बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसिटीज हम लोग कहते हैं, ये कैजुराइना फ्रेंकिया जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट में नोड्यूल में पाए जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन धारणा थी कि दलहनी या लेगुमिनस प्लांट ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा फॉस्फेट जो फॉस्फोरस को सोलबलाइज करते हैं, कुछ फॉस्फोबैक्टीरिया वो इन सोलबल फॉस्फेट को लेते हैं और उसे साइट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, फेमरिक एसिड आदि का निर्माण करते हैं जो पौधे बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसमें बैसिलस पोलिमिक्सा, बैसिलस मेगाथेरियम जिसकी वेराइटी फॉस्फेटिकम है, और स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा, आजकल इस पर बहुत काम हो रहे हैं पीजीपीआर के नाम से, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ये सारे उसी ग्रुप में चले आते हैं। इसके अलावा क्रोमेशियम और रोडोस्पायरुलम कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण, इसलिए इनको फोटो ऑटोट्रॉप कहा कर रहे हैं, इसलिए इनको हम फोटो ऑटोट्रॉप कह रहे हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ये फ्री लिविंग कंडीशन में पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया को हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं, खास करके इनके कल्चर को हम लोग सीड में या सॉयल में डायरेक्ट सप्लाई करते हैं बायो फर्टिलाइजर कह के, और ये राइजोस्फेयर जो होते हैं, राइजोस्फेयर कहने का मतलब किसी पौधे के रूट के चारों तरफ का जो एरिया होता है वहां पर ये कॉलोनाइज करते हैं और धीरे धीरे प्लांट के अंदर चले जाते हैं, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट सॉयल में उपलब्ध हैं उनको उपलब्ध कराते रहते हैं पौधों को। तो देखिए पौधों के पास जाके उनके रूट के पास उनको उपलब्ध कराना मतलब होटल में वेटर की तरह का ये कार्य करते हैं कि वहां आराम से पौधों को ये प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग और सॉइल की फर्टिलिटी दोनों बढ़ जाती है। इसके कारण कई बार मृदा में जो पोरोसिटी होती है, जो दो सॉइल के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने से सूखे का कोई ज्यादा प्रभाव इन पे नहीं होता है। साथ ही साथ ये सीड के जर्मिनेशन को भी प्रभावित करते हैं, जो बीज अंकुरण है वो अच्छे तरह से हो सकता है, तो इससे पैदावार 20-30% बढ़ जाती है। ये काफी सस्ता चीज है, कन्वीनियंट और इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर के यूज से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी हो सकता है, और कुछ ऐसे स्पेसीज हैं राइजोबियम की, जैसे राइजोबियम लेगुमिनोसेरम, अभी हमने जस्ट देखा कि पी प्लांट या लेगुमिनस प्लांट में आता है, और नाइट्रोजन, देखिए एक छोटी सी फंडा हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि
कि जो हम बायोफ्यूल को यूज करते हैं तब जाके हम कहीं फर्टिलाइजर या यूरिया जैसे चीजों को हम निर्मित करते हैं। जो सॉयल में ऑलरेडी माइक्रोब्स बैठे हैं अगर हम उनको संरक्षित करें तो हम अपनी खेती को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो अभी आंदोलन है जिसमें कहा जा रहा है कि हम गरवा और नरवा और बाड़ी, तो बाड़ी में हम इस तरह की चीजों को डेवलप करें जिसके कारण ये चीजें काफी आने वाले समय में किसान को हेल्प करेगी। और अभी जो समय गुजर रहा है, जो हम लोग जिस तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, इस स्थिति में भी अगर हमारी अपनी फार्मिंग हो और अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग हो तो हो सकता है कि हम काफी चीजों में स्वावलंबी भी हो जाएं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो नारा है तो उसमें बाड़ी में हम इस चीजों का प्रयोग करें और ये बड़ा आसानी से लैब में कल्चर भी हो जाता है और एक बार अगर खेत में चला गया और पानी वगैरह की मात्रा उपलब्ध रही तो जल्दी जाता भी नहीं है, जबकि खाद को आपको पीरियोडिकली डालना पड़ता है। तो राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन है, राइजोबियम फैसियोली जो है बीन्स है, एजोटोबैक्टर ये पैडी में, मेज में, कॉटन में, सुगर केन में यूज करते हैं, एजो स्पायरुलम बनाना केले में, सोयाबीन में, सोयाबीन में देखिए जैपोनिकम एजो स्पायरुलम हम दोनों का प्रयोग कर रहे हैं, पैडी में भी हम एजोटोबैक्टर एजो स्पायरुलम दोनों का प्रयोग कर रहे थे, मेज में भी आप देखिए हमने एजोटोबैक्टर को भी यूज किया है और एजो स्पायरुलम को भी यूज किया है। तो इस तरह से ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है ये सॉयल के उर्वरकता को और बढ़ा देते हैं। स्कैवेंजर का मतलब या नेचुरल स्कैवेंजर का मतलब हम लोग थोड़ी देर में समझने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया को डिकम्पोजर माना जाता है और नेचर का स्कैवेंजर माना जाता है। क्यों माना जाता है कि कुछ ऐसे सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है, सेप्रोफिटिक मतलब जो मरे हुए बैक्टीरिया, मरे हुए ऑर्गेनिक पदार्थ को जो डिकम्पोज करें उन्हें हम सेप्रोफाइट या मृतोपजीवी कहते हैं। तो ये मृतोपजीवी जो बैक्टीरिया है ये जो मरे हुए पौधों और जानवरों के जो अवशेष हैं उनको विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो डिकम्पोज कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी किसी पत्ते को छोड़ देते हैं पेड़ से गिरते हुए तो उस टूटे हुए पत्ता जब जमीन पे गिरता है तो वो लीटर के फॉर्म में आता है, जब आधा सड़ जाता है तो उसको हम डफ कहते हैं और कम्प्लीटली जब सड़ जाता है तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो हम इसको ह्यूमिफिकेशन भी कह सकते हैं और साथ साथ ये सैनिटेशन यानी साफ सफाई का भी काम कर रहा है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया जो है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के उनको छोटे छोटे डेरिवेटिव में उपलब्ध करा देता है। बहरहाल पौधे इसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए बायो जियो केमिकल साइकिल या हम न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग या जो चक्र हम लोग कहते हैं पोषक चीजों का चक्र है, अगर वो चलता रहे तो मृदा या सॉइल की फर्टिलिटी भी हमेशा इम्प्रूव होती रहेगी। बहुत बातें खेत से हुई, अब आइए हम लोग आते हैं थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फूड प्रोडक्शन पर कि बैक्टीरिया का फूड में क्या उपयोग है। नीचे आप देख रहे हैं कुछ अच्छे अच्छे चित्र हैं, मुंह में पानी आ रहा है, दही है, बटर है, है ना, और साथ साथ योगर्ट भी है। तो अब ये बताइए कि बैक्टीरिया इन चीजों का निर्माण कैसे करता है। तो बैक्टीरिया जो है वो दूध को किस तरह से दही बनाया जाता है, मक्खन बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ के बच्चों को उसको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ गरवा जो है वो इतना ज्यादा है कि जो गेरुआ मन है उनसे हम लोग लेते हैं दूध, और दूध से अगर दूध ज्यादा हो जाए तो उससे हम लोग आराम से दही बनाते हैं, मही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं और उसी से हम बटर भी निकाल लेते हैं और ज्यादा दूध को फाड़ के हम लोग पनीर भी बना लेते हैं। आपको पता है ये तो एक दो लीटर पांच लीटर की बात है, जब बड़े पैमाने पे अगर खेती हमारा गरवा कार्यक्रम अगर सफल हो तो इतने ज्यादा दूध को हम किस तरह से फर्मेंट कराएंगे, तो इसमें बैक्टीरिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि स्टार्टर कल्चर जो हम लोग जामन बोलते हैं, जो जोरन बोलते हैं, या बाहर से हम लोग ला के दूध को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रखते हैं, आपको पता है उसमें होता क्या है, जब दूध है उसके अंदर लैक्टिक एसिड है और ये पहला ऑर्गेनिक एसिड है दुनिया का जो कि
सूक्ष्म जीवों के किण्वन से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से डेवलप हुआ है और इसमें कुछ खास बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का नाम आता है, स्ट्रेप्टोबैसिलस केजी का नाम आता है। लेकिन केजी जब हम कई बार दूध को बॉयल नहीं करते और ऐसे छोड़ देते हैं तो दूध फट जाता है, तो वह प्राय लैक्टोबैसिलस केजी से होता है। और केजीन एक शब्द यहाँ पे छुप रहा है जो कोगुलेटेड प्रोटीन जो होते हैं दूध के फटने के बाद जो प्राप्त होता है वो कोगुलेटेड प्रोटीन है, उसी को हम लोग केजीन बोलते हैं। और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोकोकस क्रीमोरिस, ल्यूकोनोस्टक को भी हम लोग यूज करते हैं इसमें खुशबू देने के लिए। तो सबसे पहले मिल्क को गर्म करके एक तापमान पर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम रख के उसमें हम एक स्टॉक स्टार्टर कल्चर डालते हैं जिसे जामन बोलते हैं हम लोग, और जिसके कारण दूध जो लैक्टिक एसिड में और केजीन में परिवर्तित हो जाता है, इसके कारण दही जमता है। और इसी बैक्टीरिया का हम प्रयोग फिर बटर और चीज में भी करते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियली हम लैक्टोबैसिलस डेलब्रिकाई को हम लोग प्रिजर्वेशन टैनिंग ड्रग के अलावा दही के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से हम लोग योगर्ट भी प्राप्त करते हैं। ये चीज सबके मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि पिज्जा का फोटो आ रहा है, पिज्जा बंदी में मिल भी नहीं रही है। तो ये जो पिज्जा में जो बटर हम चीज जो लगाते हैं वो चीज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस, और पनीर तो आप खाते ही हैं, पनीर के न जाने कितने आइटम, उस सब में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस। और इसके बाद इनमें कई तरह की चीजें और भी मिलाई जाती है, प्रोपोनी बैक्टीरियम स्विस चीज में, और फ्लेवर के लिए हम लिकोनोस्टक सिट्रोबम का प्रयोग करते हैं। और दो प्रकार के अलग चीज है जिसको हम पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। तो रोकीफोर्टाइस चूंकि यहाँ पेनिसिलियम की दोनों वेराइटी है जो फ्लेवर देती है, तो पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई से हम रोकीफोर्टाई चीज, और पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई से कैमेम्बर्टाई चीज यानी पनीर को हम प्राप्त करते हैं। और आइए एक और अच्छे से बात करें, सिरका बनाते हैं फल से और बोलते हैं सिरका, जिसको अंग्रेजी में विनेगर या एसिटिक एसिड हम कहा करते हैं। एसिटिक एसिड फास्ट फूड बच्चे जो खाते हैं वो जानते हैं कि खट्टे के लिए डाला जाता है, उसमें जो पानी तरह का होता है सोल्यूशन, आपको पता है ये डबल फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है क्योंकि ग्लूकोज जो है ईस्ट के कारण, ईस्ट जो फंगस है एनएरोबिक श्वसन से इथाइल अल्कोहल बनाता है, और एसिटोबैक्टर एसिटाई उसको एसिटिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, और ये एरोबिक है और ईस्ट वाला घटना जो है वो एनएरोबिक है, इसलिए यहाँ दो बार फर्मेंटेशन होता है, इसलिए हम लोग विनेगर या एसिटिक एसिड के फर्मेंटेशन को डबल फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई के अलावा ग्लूकोनोबैक्टर स्पेसिस को भी हम यूज करते हैं, और ये सिरका के नाम से काफी समय से पाया जाता है। आप देखें हमारे यहाँ डिफरेंट फलों को सड़ने के लिए लोग छत पे छोड़ देते हैं कपड़े से कवर करके, तो सिरका बन जाती थी नेचुरल, और आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स किसे हम कहेंगे, तो जब हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीवों को हम अच्छी मात्रा में अपने हेल्थ की भलाई के लिए होस्ट की बॉडी में अगर इंसर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेट करें या उसको हम ग्रहण करें, तो वो केमिकल ही प्रोबायोटिक्स कहलाती है। इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो हेटरोजीनस ग्रुप के हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसमें लैक्टोबैसिलस और इंटेरोकोकस, और कई बार बाइफिडोबैक्टीरियम जो योगर्ट और अदर फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट को बनाता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम बाइफाइडम को हम लोग डायरेक्टली ग्रहण कर लेते हैं, और ये चीजें प्रोबायोटिक्स के नाम से जानी जाती है। अब देखिए फर्मेंटेड फूड अगर हम चर्चा करें तो हम लोग डोसा, इडली, ढोकला जैसी चीजों से परिचित हैं, तो उसमें जो खमीर उठता है तो बैक्टीरिया ही हम यूज करते हैं इन फर्मेंटेड फूड के लिए, और कई तरह के ऑर्गेनिज्म हैं जो इनके चीजों को परिवर्तित करते हैं फर्मेंटेशन में,
और इस तरह से जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो बायो अवेबिलिटी न्यूट्रिएंट के और उनके कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर को और उनके प्रिजर्वेटिव इफेक्ट को भी बढ़ा देते हैं। जैसे डोसा का घोल हम देखते हैं 2-3 दिन चल जाता है, इडली भी वैसे ही रहता है। अब फर्मेंटेड मिल्क जैसे डोसा इडली, हम लोग इसमें ल्यूकोनोस्ट्रक मिसेंटेरॉइडिस को यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस फैकेलिस को यूज करते हैं, पेडियोकोकस सेरिविसी को यूज करते हैं, और जिसके कारण अच्छा बैटर जिसको हम लोग डोसा का इडली का घोल कहते हैं वो बहुत अच्छा बन जाता है इनके कारण। क्योंकि आप देखेंगे जस्ट उड़द दाल और चावल को जैसा घर में मम्मी घोल देती है और तुरंत बनाती है तो उसकी टेस्ट अच्छी नहीं आती है, और डोसा भी अच्छा लगता है और इडली भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन की क्रिया उसमें तब तक हुई नहीं रहती है। कुछ और भी फर्मेंटेशन के हम एग्जाम्पल लेते हैं, अदर एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड फूड जैसे किमची, इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया, ये कोरियन डिश है जिसमें बंद गोभी को बड़ा मसालेदार बनाया जाता है। एक जर्मन डिश की बात करते हैं साउसर क्राउट, ये लैक्टोबैसिलस प्लांटारम के द्वारा होता है, इसमें भी हम लोग बंद गोभी का चॉपिंग करके बनाते हैं। केफिर, ये केफिर जो है ये फर्मेंटेड मिल्क है जो खट्टेपन का टेस्ट लाता है और इसमें ईस्ट और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। अब अगला पॉइंट तो हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है, वाइन। खुशी तो पियो, गम तो पियो, कुछ नहीं है तो भी पियो कहते हैं शराबी लोग। तो ये फर्मेंटेड ग्रेप जूस भी बनता है, इसमें लैक्टोबैसिलस ओनोकोकस पेडियोकोकस जैसी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के शराब बनाने में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है चाय कॉफी कोकोआ का क्यूरिंग भी करता है। क्यूरिंग को हम लोग डिटेल में थोड़ा सा और देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि चाय पत्ती हम डालते हैं तो पत्ती तो कहीं दिखती नहीं है, लीव्स तो कहीं दिखती नहीं है, वो ग्रैनुलर फॉर्म में रहती है। चूंकि वो ग्रैनुलर फॉर्म में है तो पत्ती हम उसको कैसे कह पाएंगे, इसीलिए हम उसको जो ग्रेन फॉर्म में जैसे तंबाकू खाने वाले पान में काला पीला क्या क्या डालते हैं, तो ग्रैनुलर फॉर्म में पत्तियों को ट्रांसफॉर्म करने की क्रिया ही क्यूरिंग कहलाती है। अब एक बहुत बड़ा सा चीज आ रहा है सिंगल सेल प्रोटीन जिसको हम एससीपी भी बोलते हैं, प्रोटीन, ये मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस के कल्चर से मिथानोल पे हम जब कल्चर करते हैं तो 72% प्रोटीन कंटेंट हमें प्राप्त होते हैं। अब जहां दाल से 12-14%, मटन चिकन से हमको 40-60%, और यहाँ 72% प्रोटीन कंटेंट हमको मिल रहा है, तो ये फर्स्ट कमर्शियल चीज था जो एनिमल को खिलाया गया था ताकि उनकी प्रोटीन की कमी ना हो पाए, और सेलुलोमोनास अल्कलीजेंस ये सब को भी हम, इनके विभिन्न स्पेसिस को भी हम सिंगल सेल प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। अब कुछ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वह रसायन है जो सूक्ष्म जीवों को मार डालते हो, और जब माइक्रोबायोलॉजी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सेल वॉल पर, राइबोसोम पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्य करने वाले अलग अलग तरह के इनकी मोड ऑफ एक्शन पे चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल बैक्टीरिया ही है जो कि एंटीबायोटिक को दिया करते हैं, जैसे बेसिट्रासिन बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, पॉलीमिक्सिन बैसिलस पॉलीमिक्सा, थायरोथरिशिन बैसिलस ब्रीविस, सबटाइलिन बैसिलस सबटाइलिस, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन इथ्रोमाइसिन राइबोफ्लेविन, ये सब स्ट्रेप्टोमाइसिस से प्राप्त होते हैं जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है। अब आइए ब्यूटानोल की बात करें, तो इंडस्ट्रियली हम ब्यूटानोल या एसीटोन को हम क्लोस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटालिकम नामक बैक्टीरिया से हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसी तरह से प्रोपियोनिक एसिड का इंडस्ट्रियल बेसिस पे फर्मेंटेशन कराने के लिए आपको प्रोपियोनी बैक्टीरियम की स्पेसिस जिम्मेदार होती है। कुछ मेडिकली यूजफुल एंजाइम जो कि खास करके एक्सीडेंट के बाद हम यूज करते हैं वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम है,
थ्रम्बोलाइट माने थ्रम्बोसाइट या ब्लड के क्लॉट जो जमा हो जाते हैं उनको घुलाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस फैकालिस, स्ट्रेप्टोकोकस यूबेरिस, ये सारी स्पेसीज है जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसी एंजाइम को निर्मित करती हैं, जो कि थ्रम्बोलाइटिक या डिसॉल्व कर देता है ब्लड क्लॉट को। बायोरेमेडिएशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारे एग्रीकल्चरल या सीवेज जो वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने की चीज को हम बायोरेमेडिएशन कहते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा के अगर हम करें तो। इसलिए इसको हम लोग सीवेज फंगस भी बोलते हैं। ये सीवेज में, सीवेज मतलब जो मल और मूत्र का या घर के वेस्ट का जो नाला बहता है उसे हम सीवेज बोलते हैं, और एग्रीकल्चर से भी कई तरह के वेस्ट निकलते हैं तो ये उनमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं। जैसे पेस्टिसाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है पेस्टिसाइड, हम खर पतवार को नाशक को हम हर्बिसाइड बोलते हैं, फंगस के नाशक को हम फंगिसाइड बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड हम कीटों को मारने को कहते हैं, सबको मिला के हम पेस्टिसाइड एक बड़ा सा वर्ड कहते हैं। जो भी पेस्ट जो हमारे लिए हार्मफुल हो, हम मनुष्यों के लिए जो हार्मफुल हो, तो क्लेब्सियला, एसिनोटोबैक्टर, अल्कैलीजेंस, फ्लेवोबैक्टीरियम, अब बैसिलस सबस्टाइलिस तो इंडोसल्फान जैसा पेस्टिसाइड को भी ब्रेक कर देता है। अगला पॉइंट आता है यूरेनियम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। यूरेनियम जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, थायोबैसिलस फेरोडॉक्सीडेंस का हम प्रयोग करते हैं। 2,4-D जिसको 2,4-dichlorophenoxy एसिटिक एसिड, जो कि 2,4-D 2,4-5-T दोनों को मिला के अमेरिका ने वियतनाम की लड़ाई में यूज किया था, जिसको एजेंट ऑरेंज के नाम से आप पढ़े हैं, तो ये वीडीसाइड बड़ा खतरनाक वीडीसाइड है 2,4-D जो फ्लेवोबैक्टीरियम के द्वारा डीकम्पोज हो जाता है। जिसका नाश कोई नहीं किया उसको हमारा बैक्टीरिया नाश कर रहा है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम इसको सोचेंगे आगे। DDT जो हमारे हिंदुस्तान में बैन है, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से आप इसको कई बार याद किए होंगे, तो एसिटोबैक्टर एरोजेंस इनको ब्रेक कर देता है। क्योंकि ये इंडिया में बैन किया गया है इसलिए कि ये जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, जैसे छोटे छोटे हम लोग जब इसको डाल देते थे तो इंसेक्ट्स मर जाते थे, इंसेक्ट को खाने वाले जो छोटी बड़ी मछलियां होती थी और उन मछलियों को टॉप कंज्यूमर हमारा होता था वल्चर या गिद्ध या बाज जिसको हम कहते हैं, तो इनमें चूंकि इनका विघटन नहीं होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जिसके कारण इनकी बॉडी में इसकी सबसे ज्यादा जमावट होती है। और हम भी, मनुष्य भी एक इकोसिस्टम में, हम लोग को ओमनीवोरस कहा गया है, हम लोग सर्वाहारी हैं, है ना, हम लोग सर्वाहारी हैं। मैं हिंदुस्तान की कल्चर से थोड़ा बाहर निकल के बात कर रहा हूँ क्योंकि कई देश विदेश में कोई चीज को छोड़ा नहीं जाता है, है ना, मेरा इशारा आप समझ रहे हैं। तो जो टॉप कंज्यूमर होंगे उनकी बॉडी में इनका विघटन होगा। आप सोचिए ना कि एक कीट अगर 1 ग्राम और एक कीट को, मतलब एक मेढक ने 10 कीट खाया, 10 कीटों को मतलब बड़ी मछलियों ने खाया और 10 मछलियों को अगर वल्चर ने खाया, तो अल्टीमेटली तो इनके बॉडी में इसका एक्युमुलेशन होगा ही, दैट इज नोन एज बायो मैग्निफिकेशन। खैर आपको चिंता की बात नहीं है क्योंकि एसिटोबैक्टर एरोजेंस इन DDT को डिकम्पोज कर देता है। आइए, हम लोग हिंदुस्तान में गंगा का बड़ा पवित्र नदी मानते हैं, ये हमेशा साफ सुथरी रहती है, है ना, और हमारे यहाँ कोई भी रिचुअल्स हिंदू परिवार में अगर हो रहा है तो वहां पे गंगा जल बड़ा पवित्र माना जाता है। अब मरने के समय भी लोग बोलते हैं मुंह में गंगा जल डाल दीजिए, तो गंगा का पानी कभी अपवित्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए कि डेलो भिब्रियो बैक्टीरियो वोरस नामक एक उसमें पाया जाता है एजेंट, और ये इनके पानी को साफ रखता है, और कई करोड़ लोग इसमें नहाने के बावजूद भी आज तक हमारा गंगा का पानी, अगर इंडस्ट्री ना आती, है ना, टैनिन और डिफरेंट जो कंपनियां जो गंगा के किनारे अगर ना होती, तो हमारे नहाने से कभी गंगा अपवित्र शायद नहीं होती। एक
बहस का मुद्दा है, कभी बैठेंगे तब बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जरूर याद रखें डेलो बिब्रियो बैक्टीरियो भोरस जो उनके पानी में पाया जा रहा है, जो गंगा के पानी को पवित्र रख रहा है। अब आइए हम थोड़ी सी ओपेक कंट्री की बात करें, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक कंट्री, तो वहां पे ऑयल डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जैसे सीडोमोनास है। तो साथियों मैरिनो बैक्टर एसिनोटो बैक्टर ये भी आयल को डिग्रेड कर देते हैं। अब आप सोचिए हाइड्रोकार्बन का युक्त जो आयल है जो गाड़ियों में हम लोग पेट्रोल के रूप में डीजल के रूप में भरते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग तो होती है। आपको बड़ा गर्व होगा सुन के कि आनंद मोहन चक्रवर्ती ये इंडियन साइंटिस्ट थे जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर सुपर बग का निर्माण किया और ये सुपर बग था स्यूडोमोनास प्यूटिडा जो पेट्रोलियम को डिग्रेड कर देता था। ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था जिसको यूएस में पेटेंट कराया गया। तो एक भारतीय मूल के होने के कारण हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि हमारे बीच के लोग आज आसमान को छू रहे हैं। ये सुपर बग जो था वो मल्टी प्लाज्मिड हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग स्यूडोमोनास था। तुरंत आपके दिमाग में ये शब्द आएगा, सर मल्टी प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड कोई भी एक्सटर्नल जो बैक्टीरिया के डीएनए के अलावा जो भी एक्सटर्नल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। और वो चूंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए में नया डीएनए और जोड़ के जो बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, शॉर्ट में आर डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें कई तरह के प्लाज्मिड 4 डिफरेंट स्पीसीज के लाए गए थे और चूंकि इसमें मल्टीपल प्लाज्मिड था इसलिए डिफरेंट हाइड्रोकार्बन को भी ये तोड़ देता था। जैसे कम्फोर हम कपूर को कहते हैं, जाइलीन है, ओक्टेन है, हेक्सेन है, नेफ्थलीन है, टॉलीन है, ये सारे हाइड्रोकार्बन को विघटन की इनमें क्षमता होती है। और साथ साथ ये हाइड्रोकार्बन को तो तोड़ ही रहे हैं और 2/3 ऑफ द हाइड्रोकार्बन जो टिपिकल आयल फिल्ड स्पिल्स में मिलते हैं, क्योंकि जो समुद्र से या रेती से जो हम लोग प्राप्त करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, तो उनमें 2/3 को खा लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको चेंज कर देते हैं। कितना जबरदस्त चीज है, हमारे वातावरण को प्रदूषण से बचाने में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कभी दोस्त कभी दुश्मन दोनों मानते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा सा और नाम आ रहा है, क्योंकि बैसिलस थ्रीजिरेंसिस से हम बायो कंट्रोल करते हैं। बायो कंट्रोल कहने का ये मतलब है, देखिए यहाँ पे एक इंसेक्ट आपको दिख रहा है उसको दूसरा इंसेक्ट खा रहा है, ये पत्ता खाने के लिए आया था और उसको ये खा गया, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर तीसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। चूंकि यह इनको खा के पौधे को बचा रहा है इसलिए बायो कंट्रोल कर रहा है। सेम यहाँ पे भी देखिए, कोई इंसेक्ट का लार्वा है और उसको एक इंसेक्ट खा रहा है, तो ये बाद में जो इंसेक्ट बनता और अपने लार्वा को चूंकि पत्तियां खाती हैं तो इनसे इनको बचा रहा है, इसीलिए इनको हम कहते हैं क्या चीज, बायो कंट्रोल। द बेस्ट बैक्टीरियम बैसिलस थ्रीजिरेंसिस कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। और जैपनीज बीटल एनोफिलिस, तो जैपनीज बीटल को बैसिलस पैपिली और एनोफिलिस को बैसिलस स्फेरिकस। एनोफिलिस का नाम सुनते साथ हम लोग सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही वो मादा स्पेसीज है इनकी जो एक ड्रग भारत को दिया, जिसके कारण आज इस कठिन अवस्था में भी भारत वर्ल्ड लेवल पर अपनी इमेज बना रहा है, वो है मलेरिया। तो मलेरिया के जो प्रोटोजोअन्स हैं वो फीमेल एनोफिलिस के बॉडी से ह्यूमन की बॉडी में आते हैं। तो भारत को पॉपुलर करने में मलेरिया का ड्रग, अब मलेरिया चूंकि हम लोग आज जो खतरनाक स्थिति चल रही है, लोग बोलते हैं कुनाइन से, क्लोरोक्विन से, हम क्या बोलते हैं फिर जो चल रहा है कोरोना है ना, COVID-19, इसकी दवा निकाल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, यूएस को हम लोग सप्लाई किए हैं बड़ा गर्व के साथ और भारत की तारीफ हो रहा है। तो ये एनोफिलिस अगर ना होता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिल पाती। कई बार फ्लॉप हीरो भी सुपर हिट हो जाता है। थैंक यू, आइए हम लोग और आगे बात करते हैं। एग्रो बैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, मतलब एक एग्रो बैक्टीरियम ट्यूबेफेसियंस है जिसको प्लांट का हम जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं,
और ये डिफरेंट प्लांट में जाके ये ट्यूबेफिशियंस जो है, ये हम लोग कोई भी जीन में, जैसे कॉटन का जीन में बाहर से इनके जीन को ट्रांसफर कर दें तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन जाते हैं, जीएमओ जिसको हम लोग कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म तो प्लांट एनिमल दोनों को हम कहते हैं। अब आइए, हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग गाय जो हम लोग बात करते हैं गरवा, तो बायोगैस की प्रोडक्शन भी गरवा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि गाय के गोबर से, जानवरों के वेस्ट से और बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को, वेस्ट को हम इस डाइजेस्टर में डाल देते हैं। यहाँ पे एनएरोबिक रिएक्टर रहता है और यहाँ पे स्लज जमा होता है, यहाँ से हम लोग इन्फ्लुएंट्स डालते हैं, यहाँ से इन्फ्लुएंट निकलता है और यही गैस यहाँ से निकलती है और वो गैस प्रायः मीथेन होती है और इस मीथेन को हम बायोफ्यूल के नाम से जानते हैं। तो मैं ख्याल समझता हूँ बायोगैस में भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। ये कब अपने यहाँ जूट वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा होता है, तो हम लोग के यहाँ खट्टा भाजी जो होता है जिसमें हिबिस्कस सबदरीफा, कोकोनट है जूट हिबिस्कस सबदरीफा, फ्लैक्स जिसको कैनाबिस सटाइवा हम लोग कहते हैं, हेम्प भांग वगैरह सब, तो ये इनके फाइबर को अलग निकालने का, एक्चुअली फाइबर तो फ्लोएम फाइबर है ये, तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि इनकी गट्ठर बना के, एक पूरी पूरी गट्ठर बना के पानी में डुबो देते हैं, तो पानी में डुबोने से एनएरोबिक फर्मेंटेशन क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम के द्वारा होता है और बाद में ये सारे मेसरेशन जैसी घटनाओं के कारण ये सारे जो फ्लोएम के जो फाइबर है फ्री हो जाते हैं और हमको इस तरह से पट या पटसन प्राप्त हो जाता है। तो जूट बड़ा पॉपुलर है इसके लिए, लेकिन कई बार ओस भी रख के स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस वगैरह से भी हम लोग इस तरह की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। अगला पॉइंट और बढ़िया है, आपके जूते बड़ा चमकदार हैं, आपके बैग पर्स जो चमकदार बनते हैं, जो जानवरों के जो चमड़े से बनते हैं, तो उन चमड़ों से हेयर का, फैट्स का, अब बहुत सारे टीशूज को जब हम हटाते हैं तो वो हाइड बनता है। हाइड बने छुपना नहीं है, जो हम रिमूव कर देते हैं इससे, तो वो हाइड बनने के बाद उनको डिफरेंट कलर वगैरह में डाल के प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके आपका इतना सुंदर सा बैग दिखता है, क्योंकि पहले तो ऐसा ही था वो। और चमचमाते हुए जूतों पे आप वैक्स की पॉलिश वगैरह करते हैं, तो ये टैनरीज इंडस्ट्री में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किनका, हमारे बैक्टीरिया जी का। अब आज ये हम लोग आ जाएं कि बैसिलस मेगाथेरियम माइक्रोकोकस मायोकोकस, ये चाय की बगीचे हैं जिनकी पत्तियों को क्यूरिंग से उनको ग्रैनुलर फॉर्म में लाया जाता है और यही चाय का स्रोत है, जो आज हम भारत वाले लोग बड़ा शौक से सुबह सुबह चाय पीते हैं, बेटी कहलाता है। तो ये सारी चीजों का हमारा भारत एकमात्र, आसाम का एरिया काफी पॉपुलर है इसके लिए, इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी के नाम से जानी जाती है, टी कंपनी, टोबैको कंपनी। तो ये जो प्रोसेस है इनके पत्तियों को ग्रेनुलर फॉर्म में लाने की क्रिया ही क्यूरिंग कहलाती है, तो इसमें इन सारे बैक्टीरिया का बड़ा भरपूर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा राइबोफ्लोबिन जिसको हम कोबालामीन या विटामिन B12 कहते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम बैसिलस मेगाथेरियम से प्राप्त करते हैं। एक भयावह सा चित्र आपके सामने मैंने रखा है, और आप कहीं जाएं किसी स्लम एरिया में और कहीं एरिया में तो आपको ये सारी चीजें दिख जाती थी। तो आज हम पोलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये बैक्टीरिया में केमिकल पाई जा रही है, उनकी रिजर्व फूड मटेरियल में होती हैं, इससे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्राप्त करेंगे। तो ये सुंदर रेत के टीले के रूप में समुद्र का किनारा, नदी का किनारा दिखेगा, इस ऐसे पॉलिथीन आपको बिखरे हुए शायद दिखाई नहीं देंगे जब हम पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से अगर हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का निर्माण करना प्रारंभ कर लें। इसलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के स्रोत में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा जेनेटिकली इंजीनियर्ड कुछ बैक्टीरिया हैं, खास करके ई कोलाई जिसको एस्चेरिसिया कोलाई हम कहते हैं, कोलाई ये ह्यूमन की इंसुलिन ह्यूमुलिन को बनाता था, जिसके कारण आज हम डायबिटीज को ठीक कर पाते हैं।
ड्वार्फिज्म या बौनापन के लिए सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का भी निर्माण करना, बायोफ्यूल के लिए बायो इथानोल का निर्माण करना, प्रोप्यूनी बैक्टीरियम फ्रूडेरन की ये विटामिन B12 हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, और डेनोकोकस रेडियो ड्यूरेंस एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड अलग बैक्टीरिया है जिसका हम बायोमेडिएटर डिग्रेड टॉलिन और मरकरी जिसके कारण माइनामाटा डिजीज हुआ था, हाईली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट के रूप में जब ये निकलते हैं तो उनको बैक्टीरिया साफ करते हैं, यानी हमारा जेनेटिकल इंजीनियर बैक्टीरिया भी बहुत काम का चीज है। एक कंट्रोवर्सी पे भी थोड़ी सी बात करें, बीटी जीन जिसको हम लोग क्राई जीन भी कहते हैं, ये बैसिलस थ्रीजिनेंसिस के जीन्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मेथड से बीटी क्रॉप बनाते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी बिंजल, जो कि इंसेक्ट्स के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, खास करके लिपिडोप्टेरा और बटरफ्लाई मोथ के लिए, डिप्थेरा मॉस्किटो, हाउस फ्लाई के लिए, क्योंकि आज हम कपास के रूप में इतना स्वावलंबी हैं, शायद ये जीएमओ या बीटी कॉटन का ही चमत्कार है जो महाराष्ट्र, भारत एक राष्ट्र और राष्ट्र में महाराष्ट्र, क्योंकि कॉटन बड़ा पॉपुलर रहा है और यही कॉटन के कारण अंग्रेज भी आए थे अपने यहाँ, हमारी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया उन लोगों ने। लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी यह है कि बैसिलस थ्रीजिनेंसिस के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए कि हम इसको ना खाएं, क्योंकि जब मैं छोटा था बैगन लेने जाता था तो 1 किलो बैगन मुश्किल से 1-2 सही मिलते थे और मम्मी हमको डांटती थी। क्यों डांटती थी? कि मैक्सिमम उसमें इंसेक्ट का घर पाया जाता था और काटने के बाद अंदर से कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलता था, इला वोला क्या क्या हम लोग कहते हैं वो सब मिलते थे। और आजकल तो बैन है, लेकिन पता नहीं कितना बैन, आजकल बैगन तो बड़े अच्छे आने लगे हैं। अब आइए हम इस हार्मफुल से निकलकर, सॉरी हम बेनिफिशियल से निकलकर अब थोड़े इसके हार्मफुल या निगेटिव पहलू को भी ध्यान देने की कोशिश करें। तो सबसे पहला चीज ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया? डीनाइट्रीफाइंग मतलब नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में सॉयल से निकालकर एटमॉस्फेयर में दे देना। तो जो नाइट्रेट कल पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता था, आप उन्हें बाहर कर दे रहे हैं, तो ये तो मृदा की आप उर्वरकता को खराब कर रहे हैं। तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, ये सारे के सारे जो स्पेसिस डीनाइट्रिफिकेंस हैं, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, क्योंकि नाइट्रेट को एटमोस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन के कंडीशन में ये तोड़ के वापस कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल बंजर हो सकता है, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है। उसी तरह से प्रोटीन और अमीनो एसिड को डीएमिनेशन के कारण अगर अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाए तो वह एमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहलाएंगे। बैसिलस रेमोसस, बैसिलस बुल्गारिस, बैसिलस माइकोइडिस उसके उदाहरण हैं। आइए कुछ प्लांट डिजीज पे हम चर्चा करें कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं प्लांट एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। ये ब्लाइट डिजीज ऑफ पैडी जो जेंथोमोनास ओराइजिस है, हम सब जानते हैं कि इस तरह का कई बार हमारे खेतों में भी हो जाता है, जिसको हम पहचानते हैं कि नहीं, लेकिन ये ब्लाइट का मतलब होता है झुलस जाना। तो जब कभी भी सूर्य के प्रकाश में पौधे जो भोजन बना रहे थे और उनकी क्लोरोफिल को लगा किसी ने माचिस मार दिया हो, उनको झुलसा दिया हो, आग में उनको जला डाला हो, इसलिए बैक्टीरियल ब्लाइट और जेंथोमोनास ओराइजी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरियल डिजीज जो नींबू, संतरा, मौसमी, अटर्रा, जो साइट्रस फ्रूट है ना, सिट्रस फ्रूट भी हम इस स्टाइल में बोलते हैं, तो जेंथोमोनास सिट्री साइट्रस कैंकर को काउज करता है। देखिए ये डेड सेल्स हैं जो कि लिविंग सेल्स से सराउंडेड हैं। आप देखें कि ये क्लोरोसिस क्लोरोफिल यहाँ खत्म हुआ, यहाँ नेक्रोसिस और ये पूरा क्लोरोफिल का एरिया फिर से है, मतलब नेक्रोटिक, क्लोरोटिक एंड नॉर्मल सेल के 3 रिंग आपको दिखाई दे रहे हैं साइट्रस कैंकर। उसी तरह से
फर्स्ट जो प्लांट डिजीज था वो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल था। मैंने कहा कि ब्लाइट माने झुलसना होता है, देखिए लग रहा है झुलस गया है ये एप्पल का पौधा, पियर्स का पौधा। तो इरविनिया एमाइलोवोरा द्वारा ये रोग, कौन सा रोग, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या पोटैटो होता था। और ये सबसे पहला डिजीज जिसको एम जे बरील ने खोजा था और जिसके कारण ये काफी पॉपुलर भी हुआ। हमको घबराने की जरूरत नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में सेब नहीं होते हैं। टुंडू डिजीज ऑफ वीट, कोकल भी कहते हैं इसको हम लोग। तो इसमें आप देखिए कैरिनोबैक्टीरियम टिटिसाई से इसमें ट्विस्टिंग डिस्टॉर्शन ईयर हेड का हो जाता है। ट्विस्टिंग समझ रहे हैं ना, वो अठा जाता है ये, और इसमें कई बार स्पाइकलेट सड़ने लग जाते हैं और उसमें कई बार लिक्विड जैसी चीजें भी निकलती हैं इन्फेक्टेड टिश्यूज से। तो इसको हम कहते हैं टुंडू डिजीज। इस तरह से बड़ा कॉमन है अपने खेतों में, हम लोग जो बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, ये आम के पौधों में क्राउन गॉल देखा गया है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबेफिशियंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ एनिमल्स के डिजीज हैं, डिप्थेरिया, कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉलेरा जो इंडोटॉक्सिन वेब्रियो कॉलरी से, निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी से, लेप्रोसिस कुष्ठ रोग जिसको हम लोग कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, ट्यूबरकुलोसिस मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस लॉकजॉ या इंडो एक्सोटॉक्सिन क्लोस्ट्रिडियम टेटानी से, उफिंग कफ काली खांसी पर्टुसिस जिसे कहते हैं, बोर्डोटेला पर्टुसिस, डिप्थेरिया कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी, बिबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ बोलते चूहे से होता था, पास्टरेला या एर्सिनिया पेस्टिस से, सिफिलिस गोनोरिया एसटीडी डिजीज है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो असामान्य सेक्स वर्गर से या फिर सम्मित अगर यौन व्यवहार हो तो वहां पे डिजीज बढ़ने की चांसेस है। ट्रेपोनिमा पैलिडस स्पायरुलम गोनोरिया नेजेरिया गोनोरी, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस कई तरह से होते हैं, नेजेरिया मेनिनजाइटिस, पेप्टिक अल्सर हेलियोबैक्टर पाइलोरी, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा हर्मोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको हम बैसिलस हर्मोफिलस भी कहते हैं, इन सारी चीजों से बैक्टीरियल डिजीज मनुष्यों में भी होता है। जस्ट एक आध नाम रख लीजिएगा, ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए स्लाइड था। ये हमारे काम का है क्योंकि कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे फूड को एक्सपॉयल करते हैं और खास करके कई तरह के फूड हो सकते हैं जैसे वेजिटेबल फ्रूट जो सब्जियां हैं या फल हैं, स्टेफलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैसिलस जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स मतलब धान चावल के, माइक्रोकोकस बैसिलस यूडोमोनास, मीट बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम एस्चेरिसिया स्यूडोमोनास, इनकी जो डिफरेंट स्पेसीज हैं मीट को भी प्रभावित करती हैं। एग साल्मोनेला माइक्रोकोकस स्यूडोमोनास ये सब मीट को प्रभावित करते हैं। पोल्ट्री जिसको हम लोग मुर्गी इंडस्ट्री अंडा इंडस्ट्री भी मानते हैं, बैसिलस इंटेरोबैक्टर एस्चेरिसिया साल्मोनेला ये पोल्ट्री को प्रभावित करते हैं। मछलियों को अल्कैलिजेंस माइक्रोकोकस स्यूडोमोनास आते हैं। प्रोसेस्ड फूड जैसे कई बार हम बंद खाना हल्दीराम का मिक्सचर, हल्दीराम के रसगुल्ले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ट्रांसपोर्टेशन में या कुछ एक्सपायरी डेट वगैरह हो जाने से ये प्रोसेस फूड भी कंटामिनेट हो जाते हैं। बैसिलस सबटाइलिस बैसिलस लैकेनिफॉर्मिस ये बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाते हैं, फूड पॉइजनिंग करता है, खास करके फूड पॉइजनिंग बॉटुलिनम बॉटुलिनिज्म जिसको हम टोमाइन भी बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है। ये एन एरोबिक एक प्रकार का बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो क्लिस्टोरिडियम परफ्रिंजेंस स्टैफिलोकोकस और ऑरियस साल्मोनेला एंटेरिडिस, ये एक प्रकार के न्यूरोटॉक्सिन या बॉटुलिन या एक एक्सोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो फूड पॉइजनिंग जो होती है इसको बॉटुलिज्म भी कहते हैं। ये हमारे मसल्स के स्मूथ और स्ट्रिएटेड मसल्स को प्रभावित करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन कहने का ये मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम जैसे मान लीजिए हार्ट बीट की बात है तो आप कभी अपना दिल धड़काए हैं क्या, तो ऐसे ही धड़कता रहता है, जिस दिन धड़कना बंद होगा हम खुद धड़कना बंद हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा अपना, गुड बाय दुनिया को बोलनी पड़ेगी। तो न्यूरोटॉक्सिन्स आपके हार्ट बीट को लंग्स की क्रियाओं को ब्रेन से कंट्रोल करता है, इसलिए
जब सारी चीजें बंद हो जाएंगी, तो इसलिए फूड पॉइजनिंग कई बार बड़ा घातक भी हो जाता है। और आप पढ़ते हैं विषाक्त भोजन खाने से इतने लोग निपट गए वगैरह वगैरह। अगला डिजीज है साल्मोनेलोसिस, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया से, खास करके एग, मीट, पोल्ट्री आदि चीजों से साल्मोनेलोसिस हो जाती है। इसलिए जब भी आप एग, मीट, पोल्ट्री आदि की चीजों को लें, अच्छे तरह से पका के खाएं, क्योंकि साल्मोनेला आपको माफ नहीं करने वाला है। एक गौर कीजिएगा, कई बार हमारे कपड़े में कोड़े में दाग आ जाती है रखे रखे, तो ये सेलुलोमोनास साइटोफेगा जो है वो कपड़े को नष्ट भी करते हैं। इसलिए देखना घर में मम्मी बनारसी वगैरह साड़ियां जो साल में एक या दो बार पहनती हैं, लेकिन दो दो तीन तीन महीने के बाद उसकी आयरन, उसकी क्रीच को बदलते रहती है, नहीं तो फिर कोने कोने से ये जो दोनों बैक्टीरिया है ना, ये उसको नष्ट कर देते हैं। एक हमारे गांव का तस्वीर है, जब स्टैग्नेंट वाटर आपको दिख रहा है, स्टैग्नेंट माने स्थिर पानी है, ये बहता हुआ पानी नहीं है, चारों तरफ से बांध है और इसमें एक मलाह है ना, केवड़ जी है, ये अपना जाल फेंक रहे मछली पकड़ने के लिए। तो इसको नष्ट करने के लिए साइगेला डायसेंट्री, साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलरी जैसे बैक्टीरिया स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसलिए बारिश के बाद कई बार महामारी भी फैल जाती है, तो साइगेला डायसेंट्री क्या करेगा, डिसेंट्री, लूज मोशन। साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, टाइफाइड। विब्रियो कोलरी क्या करेगा, हैजा, जिसको कोलेरा बोलते हैं। कई बार ये मेटेडिक पाइप कोरोडेड हो जाते हैं, डाइसल्फो विब्रियो डाइसल्फ्यूरिकस, और ये सल्फेट को H2S में परिवर्तित कर देते हैं, SO4 को H2S में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां डेवलप होती हैं। एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, हम लोग ईश्वर के प्रति बड़ा भक्तवान श्रद्धावान हैं, और कई बार अगले दिन पेपर में आ जाता है विषाक्त भोजन, तो बच्चे ये रॉटन बनाना या रॉटन कोकोनट, जो प्रायः प्रसाद में हम लोग देखते हैं भगवान के प्रसाद में बड़ा हम सर उसको चढ़ा के खाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये रॉटन कोकोनट पर मिथाइलोकोकस ग्रो करता है, और इनको हम मिथाइलोफिलस या मिथाइलोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये मिथानोल वाली एरिया पे ग्रो कर रहा है। तो मिथाइलोमोनास हम इसलिए इनको कहते हैं कि मीथेन को ऑक्सीजन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में तोड़ देते हैं, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये तोड़ते हैं कार्बोक्सीडोमोनास के नाम से। तो मीथेन से मिथानोल, और खास करके ऐसी चीजों को न खाया जाए, क्योंकि मिथानोल जहाँ इथाइल अल्कोहल शराब में बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट मानी जाती थी, मिथानोल आपके ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच के बॉन्ड को कहीं ना कहीं से परेशान करता है। अब एक बहुत लेटेस्ट टॉपिक पे बात करना उचित होगा कि अनुचित होगा, क्योंकि बायो वार, बायो टेररिज्म, आप समझ रहे हैं मेरा इशारा। आज मैं आपको वीडियो से पढ़ा रहा हूं, कुछ लोगों का ये मानना है, क्योंकि ऑथेंटिक रिपोर्ट अभी तक है नहीं, कि किसी कंट्री ने अपने लेबोरेटरी में इस चीज का निर्माण किया जो COVID-19 के नाम से हम जान रहे हैं, जो वायरस है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लोस्ट्रिडियम बोटेलिनम, ये दो और भी एजेंट थे जिसको बायो टेररिज्म या बायो वार के रूप में जाना जाता था, और ये बायो वेपन के रूप में इनका प्रयोग भी कहीं कहीं किया गया है। तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रेक्स, और क्लोस्ट्रिडियम बोटेलिनम जो है बोटेलिज्म को काउज करता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत खतरनाक चीज है, एक जगह हमको अच्छी उपज, अच्छी चीजें भी दे रही हैं, मगर साथ ही साथ एक भय, एक जो हम बायोवार से बोलते हैं बचो, यूरेनियम के जो एटॉम बम है, न्यूक्लियर वेपन है, एक पर्टिकुलर एरिया को ही प्रभावित करते हैं, जबकि बायोवार तो बायोलॉजिकल वेपन है, अगर एक बार चल गया तो फिर कितने लोग गिरेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। ईश्वर आप सबको ठीक से रखे, हमें ठीक रखे, हमारे सब लोगों को ठीक रखे, यही हमारी प्रार्थना है, क्योंकि बायोवार, बायो टेररिज्म बड़ा अजीब तरह की टॉपिक है, बोलना कितना उचित है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बायोलॉजिकली
हम इस तरह की चीजों को पहले पाए हैं, इसलिए मैं उनका कोट कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि आज आप हमारी लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुने होंगे और कुछ ना कुछ तो हम आज लेके जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपके साथ अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। मैं अवधेश कुमार श्रीवास्तव आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।